हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल वैभव टॉक्स। आई एम वैभव। आज के वीडियो में हम इस स्टार पैटर्न का प्रोग्राम, इसे पीछे का लॉजिक समझेंगे। ओके, जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, इस स्टार पैटर्न का जो कि अपोजिट है, इससे अपोजिट है, देखिए। ओके, तो इसका मैंने आपको डीप में समझा था। अगर इसका आपको वीडियो चाहिए तो आपको मैं आई बटन में प्रोवाइड कर दूंगा। सो थोड़ा सा लॉजिक में डिफरेंस है, आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा इसमें। ओके, थोड़ा अपोजिट है। सो चलिए, वीडियो को आप पूरा देखिएगा, बिना स्किप करिए, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। All right, so अब हम देखते हैं इस स्टार पैटर्न का प्रोग्राम। सबसे पहले मैं आपको प्रोग्राम बताता हूँ, उसके बाद मैं आपको आईडी पे लेके जाऊंगा, वहां पर कोड करके दिखाऊंगा, वहां पर कुछ कुछ कॉन्सेप्ट बताऊंगा, स्पेसिंग वगैरह, तो आप उसको जरूर देखिएगा। ओके, वीडियो को बिना स्किप करिए देखिए, इन द सेंस मैं यही बोलना चाहता हूँ। ओके, सो देखिए, सबसे पहला चीज हम लोगों का होता है कि हम लोग आउटर लूप को चलाएं। तो आउटर लूप को चलाने से पहले हम लोग कुछ चीजों का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है कि कितने नंबर ऑफ रोज है। जैसे यहाँ पास मैं काउंट करता हूँ, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो हमारा लूप कितने टाइम चलेगा? 6 बार चलेगा। सिंपल सही है, तो आपको पता है, मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया और नेस्टेड लूप में भी आपको बताया था। ओके, सो यहाँ पर सिंपल सा मैं क्या करूंगा, फॉर लूप मैं लिखता हूँ। लेकिन उसको लिखने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, अगर आप 1 से लेकर 6 तक काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो कितना हुआ? 6 हुआ 6 टाइम्स। ओके, और सेम चीज को मैं अगर 6, 5, 4, 3, 2, 1 ये भी करता हूँ, तो कितना हुआ? 6 होगा। 6 से लेकर 1 तक करता हूँ तो भी ये 6 काउंट होगा। ओके, सो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आप लूप को 1 से लेकर 6 तक चलाएंगे, 1 से लेकर 6 तक चलाएंगे, तो वो 6 बार ही चलेगा। अगर आप वही लूप को 6 से लेकर 1 तक भी चलाएंगे, तो लूप जो है वो 6 बार चलेगा। ओके, ये आपको समझ में आया। तो मैं क्या करूंगा, लास्ट वीडियो में जैसे आपको मैं 1 से लेकर 6 तक चला के दिखा था, लेकिन इस बार हम लोग क्या करेंगे, जो आउटर लूप है उसको हम 6 से लेकर 1 तक चलेंगे। ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं, इससे कुछ नहीं होगा, बस क्योंकि मेरे को इनर लूप में कुछ लॉजिक लगाना है, जो आपको मैं बताऊंगा। आप अभी मेरे से कुछ क्वेश्चन मत करिए, मैं आपको जब लिखूंगा उस लाइन को, तो आपको ऑटोमेटिक सब समझ में आ जाएगा। ओके, तो देखिए, सबसे पहले मैं लिखता हूँ हमारा जो आउटर लूप है उसको लिखता हूँ फॉर। आप वेरिएबल डिक्लेयर वगैरह कर लीजिएगा, वैसे तो मैं आईडी में आपको बताऊंगा। तो फॉर आई इक्वल टू मैं क्या करूंगा, 6, क्योंकि मेरे को 6 रोज है। ओके, तो इसलिए मैं 6 कर रहा हूँ। तो आई स्मॉल इक्वल टू 6 से लेके आई ग्रेटर देन इक्वल टू 1 करूंगा। ओके, और यहाँ पर आई माइनस माइनस करूंगा। तो ऐसा मैं क्यों करूँ, ये आप समझने की कोशिश करिए। देखिए, ये जो मैंने लिखा है ये कंडीशन ट्रू होना चाहिए, तभी तो हमारा जो कंट्रोल है इनर लूप की तरफ जाएगा और हमारा जो आगे का जो लाइन है वो एग्जीक्यूट होंगे। ओके, सो इसलिए जैसे मैं आई इक्वल टू 6 करता हूँ, तो 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, यस कंडीशन इज ट्रू, तब हमारा नीचे जाएगा। फिर ये 5 होगा, आई माइनस माइनस 5 होगा, तो 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, यस कंडीशन ट्रू, तो ये हमारा 1 तक चलेगा। सो इन दिस सेंस क्या चलेगा, ये 6 से 1 तक 6 टाइम चलेगा। ओके, तो ये ऐसा मैंने क्यों लिखा, क्योंकि हमारा कंडीशन ट्रू होना चाहिए, तभी हमारा जो लाइन है वो नीचे की तरफ जाएगा। ओके, कंट्रोल। सो इतना हो गया। अब मैं इनर लूप चलाऊंगा, ये देखिए मैं लिखता हूं, पहले आपको अपने आप समझ में आएगा। जे इक्वल टू मैं 1 से चला रहा हूं, ओके, और जे स्मॉलर देन इक्वल टू मैं आई तक चला रहा हूं, जे प्लस प्लस। अब मैं यहां पास क्या करूंगा, यहां मैं मेरे को क्या चाहिए, मेरे को स्टार प्रिंट करना, जो आपको प्रिंट करना वो आप करिए, प्रिंट एफ, ये स्टार हो गया और ये सेमी कॉलम। ओके, ये क्लोज किया मैंने। सो इतना प्रोग्राम मैंने लिखा। अब मैं चाहता हूँ कि हर एक स्टार के नीचे एक स्टार है, मतलब पहले 6 फिर 5 स्टार फिर 4 ऐसा करके है। सो उसके लिए मैं क्या करूँगा, प्रिंट एफ, और यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर मैं लिखूंगा बैक स्लैश एन कर दूंगा। बैक स्लैश एन क्या करता है, न्यू लाइन देता है हम लोग को। ओके, तो हमको यहाँ पास से ऐसा मिल जाएगा। सो यहाँ पर बैक स्लैश एन कर दूंगा और ये हमारा यहाँ पास ये जो लूप है ये क्लोज हो जाएगा। तो सिंपल सा था। अब देखिए मैं आपको पूरा समझाता हूँ, एक एक लाइन समझाने की कोशिश करता हूँ, ताकि आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, तो ये प्रोग्राम देखने के बाद आपको 40% कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया होगा, क्या लॉजिक इसमें कैसे वर्क कर रही है आपको समझ में आ गया होगा। ओके, लेकिन हमको इसको 100% करना होगा, सो हम लाइन बाय लाइन समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहले क्या हुआ, हमारा वेरिएबल वगैरह डिक्लेयर किए, यहाँ पास आई इक्वल टू 6 हुआ, 6 जो होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है, कंडीशन इज ट्रू, कंडीशन ट्रू होगा तो हमारा जो कंट्रोल है नीचे की तरफ जाएगा। ओके, तो अब यहाँ पास देखिए, यहाँ पास ये जो है हमारा कंडीशन ये मेन है। तो सबसे पहले जब j इक्वल टू 1 हुआ, 1 स्मॉलर देन इक्वल टू 6 होता है क्या, हमारा कंडीशन ट्रू हो गया। अब ये फिर एक स्टार प्रिंट हो जाएगा, तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ एक स्टार प्रिंट हो गया। अब 2 स्मॉलर देन इक्वल टू 6 होता है क्या, ये वापस ऊपर गया, j प्लस प्लस, कंडीशन ट्रू, एक और स्टार यहाँ प्रिंट हुआ। 3 स्मॉलर देन इक्वल टू 6 होता है क्या, कंडीशन ट्रू, हमारा एक और स्टार प्रिंट हुआ। ऐसे करते करते 4 का होगा तो एक और स्टार, 5 का होगा तो एक और स्टार, 6 स्मॉलर देन इक्वल होता है तो यहाँ एक और स्टार।
सो जैसे ही हमारा जे इक्वल टू 7 हो जाएगा तो यहाँ पास हमारा आएगा जो कंट्रोल है 7 स्मॉलर देन इक्वल टू 6 होता है क्या, कंडीशन फॉल्स, से छोटा थोड़ी ना होता है 7, तो यहाँ से फॉल्स हुआ और जो हमारा कंट्रोल है ये ऊपर की तरफ से आएगा। ओके अब यहाँ पर देखिए, ये जैसे ही हमारा ऊपर की तरफ गया अब ये आई माइनस माइनस हो जाएगा तो आई इक्वल टू 6 हो जाएगा। अब 6 सॉरी 6 नहीं 5 हो जाएगा। ओके तो 5 ग्रेटर देन होता है क्या 1 से, यस कंडीशन इज ट्रू हो जाएगा, तो हमारा कंट्रोल वापिस नीचे की तरफ जाएगा। ओके ये जैसे ही नीचे की तरफ जाएगा अब अगेन यहाँ पास ये 5 हो गया, अब आई इक्वल टू क्या हो गया 6 से लेके ये 5 हो गया। अब यहाँ से 5 बार चलेगा, जैसे यहाँ पास 6 बार स्टार हुआ अब ये यहाँ पास 5 बार स्टार होगा, तो 5 तक हमारा स्टार प्रिंट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पास 5 स्मॉलर देन इक्वल टू 5, यस कंडीशन इज ट्रू। तो जैसे जे प्लस प्लस की हेल्प से जे 6 होगा तो 6 स्मॉलर होता है कि 5 से, कंडीशन गलत हो जाएगी, फिर अगेन ऊपर की तरफ जाएगा, इतने ही हमारा यहाँ ब्रेक हो जाएगा। सो यहाँ पास क्या होगा अब आई माइनस माइनस होगा, अब आई माइनस माइनस हुआ तो क्या हो गया 5 से ये 4 हो गया। ओके अब फिर कंट्रोल नीचे की तरफ जाएगा, अब यहाँ पास देखिए ये हो चुका है 4 और ये हमारा 1 से लेके 4 तक फिर रन होगा, तो 1 स्मॉलर होता है क्या 4 से, इक्वल भी यहाँ पास आएगा 2 स्मॉलर देन इक्वल टू 4, 3 स्मॉलर देन इक्वल टू 4, 4 स्मॉलर देन इक्वल टू 4 और यहाँ पास 5 स्मॉलर देन इक्वल टू 4, तो ये सब कंडीशन में हमारा ट्रू हो जाएगा और यहाँ पास 4 स्टार प्रिंट होगा। ये जो लास्ट की कंडीशन 5 स्मॉलर देन 4 ये गलत हो जाएगा और यहाँ पास हमारा 3 और ये 4 स्टार प्रिंट करके यहाँ पास फिर अगेन हमारा जो कंट्रोल है ऊपर की तरफ चले जाएगा। फिर ऐसे ये 3 तक होगा, तो यहाँ पर जैसे ही 3 का केस सिमिलर चलेगा 3 स्टार प्रिंट होगा, जब जे 4 हो जाएगा तो 4 स्मॉलर देन इक्वल टू 3 होता है, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, फिर अगेन हमारा ऊपर की तरफ जाएगा और यहाँ पास हमारा 3 स्टार प्रिंट हो जाएगा। ऐसे ही 2 के लिए चलेगा, फिर ऐसे ही एक बार 1 के लिए। तो सिंपल सा था लॉजिक लगा कि बस हमारे को ऐसे करना है कि रिलेट करना है आउटर लूप और इनर लूप को, हमको रिलेट कर देना है, यहाँ जो जो चल रहा है आई वो हमारा यहाँ आएगा और उसी से हमारा जो जे है वो कंपैरिजन करेगा, अगर छोटा तक चलेगा तो हमारा लूप चलते जाएगा और उससे जैसे ही बड़ा हुआ फॉल्ट हो जाएगा, अगेन ऊपर चले जाएगा। सो होप आपको समझ में आया होगा हमने क्या लॉजिक लगाया, एक बार मैं जल्दी से आपको रिकैप करके बता देता हूँ। ओके तो देखिए हमको यहाँ पर 6 रोज चाहिए थे, तो हमने 6 से लेके 1 तक चलाया, 6 to 1 तक हमने चलाया लूप, हम यहाँ पर 1 से लेके 6 तक भी चला सकते थे, लेकिन हम अगर वैसे चलाते तो हमारा यहाँ पास लॉजिक नहीं बैठता, हमको इसको रिलेट करना था, तो हमने 6 to 1 तक चलाया ताकि ये जो आई है यहाँ पास से हम कंपैरिजन करवा सके जो जे की वैल्यू है। ओके तो जैसे ही हमारा सबसे पहले देखिए 6 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हुआ तो हमारा जो लूप है वो नीचे की तरफ आया, तो अब ये जो आई है अब यहाँ पास से हमारा ये जे से हम कंपैरिजन करेंगे, जे इक्वल टू पहली बार में 1 स्मॉलर देन इक्वल टू 6, कंडीशन 2 हमारा 1 स्टार प्रिंट हुआ, फिर ऐसे ही 2 से फिर एक और स्टार प्रिंट हुआ, 3 4 5, 5 तक सही है 6 तक सही है। ओके तो हमारा 6 स्टार प्रिंट हो गया। जैसे ये जे 7 होगा जे प्लस प्लस की हेल्प से हमारा जो यहाँ पास कंडीशन है वो फॉल्स हो जाएगा, अगेन हमारा जो लूप है ये ऊपर की तरफ जाएगा। अब यहाँ पास आई माइनस माइनस और यहाँ पास क्या हो गया 6 माइनस 1 5 हो गया, तो 5 ग्रेटर देन होता है 1 से, कंडीशन इज टू नीचे की तरफ है। अब यहाँ पास से 1 से लेके ये कहाँ तक चलेगा 5 तक चलेगा, तो सबसे पहले जे 1 स्मॉलर देन होता है क्या 5 से, यस कंडीशन इज ट्रू, ऐसे करते 2 3 4 5, तो हमारा ये 5 तक चल गया, पहले वाले में 6 फिर 5, फिर जैसे यहाँ पर 6 हुआ 6 हुआ तो 6 स्मॉलर देन होता है क्या 5 से, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी ऊपर हो जाएगा। ओके तो अब यहाँ पास 5 माइनस 1 हो गया, ओके तो क्या हो जाएगा यहाँ पास 4 हो गया, तो अब ये ऐसे 1 से लेके 4 तक चलेगा, 4 स्टार, फिर 3 2 1, सो ऐसे करके चलेगा, और एट द एंड जब आई इक्वल टू 0 हो जाएगा तो 0 क्या होता है स्मॉलर देन या ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है क्या, विच इज फॉल्स, 0 बड़ा नहीं होता 1 से, ना कि उसके बराबर होता है, तो यहाँ पास से फॉल्स हो जाएगा और हमारा जो लूप है यहाँ पास से एग्जिट हो जाएगा। ओके सो सिंपल सा लॉजिक था, होप आपको समझ में आया होगा। अब हम आईडीई पे चलते हैं, वहां पास आपको मैं कुछ कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी बताऊंगा और आपको वहां पास से कोड करके भी दिखाऊंगा। ओके तो चलिए आईडीई पे चलते हैं, उसके बाद हम वीडियो को एंड करेंगे। सो गाइस मैं अपने आईडीई पे आ चुका हूँ, आप देख सकते हैं। आप सबसे पहले तो मैं आपको प्रोग्राम लिखकर दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको कुछ कुछ उस पर एडिट करके दिखाऊंगा क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं हमारे जो आउटपुट आएगा। ओके तो देखिए सबसे पहले मैं हैशटैग इनपुट वगैरह में लिख लिया, आप लिख लीजिएगा। मैं कुछ वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, जैसे मेरे को फॉर लूप में आई और जे के लिए चाहिए, तो मैं यहाँ पर आई और जे के लिए मैं वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। ओके अब मेरे को लूप चलाना है, फॉर लूप में आई इक्वल टू कहाँ से चलाऊंगा, मेरे को 6 रोज चाहिए तो मैं 6 से चलाऊंगा। ओके और मैं क्या करूंगा, आई स्मॉलर देन इक्वल टू कहाँ तक चलाऊंगा, 1 तक चलाऊंगा। ओके स्मॉलर देन एंड इक्वल टू, सॉरी ये इक्वल हो गया। अब मैं यहाँ पास आई माइनस माइनस करूंगा क्योंकि 6 5 4 3 2 1 0 तक चले गए थे। ओके तो ये मैंने कर दिया। अब यहाँ पास क्या होगा, ये मैंने अब एक और इनर लूप चलाना है, ये सबसे जरूरी है। ओके यहाँ पास मैं जे इक्वल टू 1 से चलाऊंगा और जे मैं क्या करूंगा स्मॉलर देन इक्वल टू कहां तक चलाता हूँ इसको, मेरे को
आई तक चलाना है ओके, क्योंकि जो हमारा रिलेट करेंगे तो कंपैरिजन होगा, तो आई तक मैंने चलाया। और यहाँ पर देखिए जे प्लस प्लस होगा क्योंकि 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके चलेगा ओके, तो ये हो गया हमारा। अब मेरे को क्या प्रिंट करना है, मैं यहाँ पर प्रिंटर, यहाँ पर मेरे को स्टार प्रिंट करना, कुछ भी आप कर सकते हैं ओके, कोई आपके लिए रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आपको जो पैटर्न बनाना बनाइए, कुछ भी कंटेंट डालिए उसके अंदर, हो गया ये। अब देखिए अब मेरे को एक रो मिला पहला स्टार, फिर तो उसके बाद मेरे को नीचे जाना है ना, नहीं तो लाइन से सब प्रिंट हो जाएगा, तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये वाली जो अपना कर्ली ब्रेस है उसके नीचे मेरे को प्रिंट एफ, और यहाँ पर मेरे को बैक स्लैश एन करना पड़ेगा, ये बैक स्लैश एन मैंने कर दिया, इससे क्या है एक एक लाइन हमारी नीचे चलती जाएगी, ये कंट्रोलर से मैंने सेव किया। अब आप क्या करिएगा, आप यहाँ पर से फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लीजिए करिएगा हमेशा, क्योंकि थोड़ा क्लियर हो जाता है, हम लोग को भी देखने में अच्छा लगता है ओके। तो देखिए यहाँ पर से मैंने रन किया अपना प्रोग्राम, 1 मिनट मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ, जो हमारा टर्मिनल है इसको मैं क्लियर कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पर रन करता हूँ, ये मेरा रन नहीं हो रहा है, तो चलिए ये भी एक हमारा वो है कि चलिए देखिए हमको कुछ मिल रहा है, सीखने के लिए मिल रहा है, गलती हमने क्या किया उसको सुधारने का मौका मिल रहा है ओके। तो ये भी अच्छा इंटरेस्टिंग है, देखिए मैंने क्या गलती किया, यहाँ पर आई कॉल 6 और यहाँ पर सेमी कॉल के बाद यहाँ पर आई स्मॉलर देन इक्वल टू बन गया, तो ये कैसे वैलिड होगा यार, ये ग्रेटर देन होगा ओके। तब ना जैसे आई कॉल 6 हुआ सबसे पहले, तो 6 ग्रेटर होता है 1 से 5 ग्रेटर होता है 1 से, ऐसे करके चलेगा ना, तो हमने स्मॉलर कर दिया थे तो फॉल्स हो गया, तो ये चला ही नहीं हमारा जो लूप है। तो अब मैं यहाँ पर सेव करूंगा और यहाँ पर मैं रन करूंगा, बिना दिक्कत के हमारा ये चलेगा, ये हमारा चल गया। अब देखिए ये स्टार देखिए थोड़े चपक से गए हैं, तो इसको हमको थोड़ा गैप लाना, थोड़ा थोड़ा सा गैप इन सबके बीच में तो और अच्छा है, तो कैसे होगा ये भी देखिए, वो के बीच में गैप लाने के लिए देखिए आप यहाँ पास ये देख सकते हैं प्रिंट मैंने जो लिखा है, इसके बीच में आप ये स्पेस मार दीजिए, बस कंट्रोल एक्स से सेव। अब यहाँ पास देखिए आप क्या होता है आउटपुट, ये हमको देखिए कितना क्लियर हो गया है, हर एक स्टार के बीच में गैप है। तो यही बताना चाहता था आपको मैं कि आप कैसे स्पेस ला सकते हैं, अगर मैं यहाँ से हटाता हूँ इसको एक स्टार एक साइड से और करता हूँ, तो मेरे को क्या मिलेगा देखते हैं। तो देखिए थोड़ा थोड़ा स्पेस कम हो गया, तो होप आपको समझ में आया होगा कैसे मैंने प्रोग्राम लिखा। वीडियो अच्छा लगा जरूर इसको शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को जरूर लाइक करिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।